मैं मानता हूँ कि काफी सारे लोग आज भी सेक्युलर है, बहुत ज्यादा है, पर हमारे इंडिया में पूरा सेक्युलरिज्म कहाँ चले जाता है, जब बात बेटा या बेटी की शादी की होती है। जब आपकी शादी की उम्र होती है तो आपकी मम्मी आ जाती है और आपको बोलती है कि बेटा सुन, कोई लड़की हो तो बता दे, किसी भी जात की होगी मैं करवा दूंगी, है ना, सिर्फ मुसलमान मत लाना। क्यों? एक तो सवाल गलत है, वहां बेटी को बोल दिया, बेटी परेशान है, कहती मम्मी ये बात आपने कॉलेज में पूछ ली होती, आधे कॉलेज का चूतिया काट दिया ये बोल के कि मम्मी नहीं मानेगी, दो ने नस काट लिए, अब 30 की हो गई, सबकी शादी हो गई, बोल रहे किसी भी जात की होगा चलेगा, रही ये क्या बात है। मेरा दोस्त है भाई, उसका दिमाग खराब कर, उसकी मम्मी जब उसको पकड़ रही है, कोई लड़की होगी बता दे, किसी भी जात की होगी मैं करवाऊंगी, सिर्फ मुसलमान मत लाना, सिर्फ तीसरे दिन वो खुद बोलती है लेकिन माँ हम तो मुसलमान है ना। मेरा एक दोस्त था, मैंने एक्चुअली मुंबई में रहा हूँ काफी सालों तक, तो मेरा रूम पार्टनर वहां पे तो था अमित, तो अमित मतलब हम लोगों का जब एजुकेशन खत्म हो गया तो वो पटना शिफ्ट हो गया और मैं नागपुर में। तो एक बार ना मैंने उसको फोन किया उसके लैंडलाइन पे, तो उसकी मम्मी ने फोन उठाया, अमित उस वक्त नहा रहा था, तो उसकी मम्मी ने फोन उठाया और उसकी मम्मी थोड़ा साउथ इंडियन एक्सेंट में बात करती थी क्योंकि साउथ इंडियन थी, ये क्यों बता रहा हूँ। तो उसकी मम्मी ने फोन उठाया और उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा थोड़ी देर बाद फोन करना, अमित ना बात कर रहा है। मुझे लगा अमित बात कर रहा है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछ लिया कि आंटी किसके साथ बात कर रहा है। आंटी क्या तुम पागल हो गया क्या, किसके साथ बात करेगा, अकेला बात कर रहा है। मैं कहा आंटी आप पागल हो गए हो क्या, अमित अकेला क्यों बात कर रहा है। बेटा हम सब अकेला ही बात करता है। बेटा सब नॉर्मल लोग अकेला बात करता है। मैं बोला नहीं आंटी आप लोग नॉर्मल नहीं हो, अमित नॉर्मल था तब जब मुंबई में था। आंटी ने पूछा अमित मुंबई में किसी के साथ बात करता था। मैंने कहा हाँ आंटी हमारे क्लास में काफी सारे लोग थे, सबके साथ बात करता था। सीनियर्स के साथ बात करता था, जूनियर के साथ बात करता था, दुकान से वड़ा पाव खरीदता था उसके साथ बात कर लेता था, ऑटो में बैठता था उसके साथ बात कर लेता था। अच्छा बेटा किसी लड़की के साथ भी बात करता था क्या? तो मुझे लगा अब मैं अगर रिया का नाम ले लूं तो मेरा दोस्त फंस जाएगा, और मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी ले चुका हूं। तो मैं किसी एक लड़की का, मैंने कहा आंटी कोई एक लड़की नहीं थी। हमारे क्लास में बहुत सारी लड़कियां थी, सबके साथ बात करता था, टीचर्स के साथ बात करता था। आंटी फुल टेंशन में, क्या बात कर रहा है बेटा। मैंने कहा आंटी अच्छा सबसे ज्यादा किसके साथ बात करता था। आंटी मैं उसका रूम पार्टनर था ना। बताओ वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता था। यार बेस्ट फ्रेंड्स आपके होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड जैसे मेरा अमित है, आपके भी होते हैं काफी सारे, है ना। आई एग्री कि बेस्ट फ्रेंड्स बहुत प्यारे होते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है साले भगवान को प्यारे क्यों नहीं जाते। लगता है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में जो लाइन होती है ना, वो कोई इंसान जानबूझ के क्रॉस नहीं करता है। ये हरामखोर बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो पीछे से लात मारते हैं। आप कॉलेज का दिन याद करो, आप बैठे हो, आप उस बंदी को देख भी नहीं रहे, ये चूतिया बोलेगा भाई तुझे ही देख रही थी। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मेरा अच्छा खासा जॉब, अच्छा खासा एजुकेशन, बढ़िया लाइफ चल रही थी। मेरे ही कंपनी का मेरा एक बेस्ट फ्रेंड एक दिन मेरे पास में आया और कहता है विनय तो कितना फनी है। तो जॉब क्यों कर रहा है, छोड़ दे जॉब, बन जा स्टैंड अप कॉमेडियन। मैंने वो तीर ले लिया जो उड़ भी नहीं रहा था। नहीं एक्चुअली मेरे पापा ना मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा लाइफ में दो चीज मत करना, बुरी संगत मत करना और बेड़ों से दूर रहना। मैंने दोनों कर लिए। मेरे दो साले हरामी तो है ही और बेवड़े एक नंबर के हैं, और गजब दारू पीते हैं और बहुत हरामी। यार मैं आपको बताता हूँ, कोई भी जोक कहीं भी पढ़ते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, बगल वाली आंटी, कहीं भी जोक सुनेंगे पहले मुझे पे ट्राई कर लेंगे। एक दिन मुझे फोन आता है और सामने से आवाज आती है कि नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से, इस वक्त आपकी गर्लफ्रेंड मेरी हॉट सीट पे बैठी है। अगली आवाज
आपके गर्लफ्रेंड की होगी। बहुत हरामी है यार। और बेवड़े गजब के हैं, पता है मैं ना, देखो मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं अपने उस फ्रेंड सर्कल में से हूँ जिसमें मैं अकेला नॉन ड्रिंक करूँ। तो हम जब कोई बैठते हैं ऐसा पार्टी करने के लिए, वो सब दारू पी रहे एकदम, और यार दारू पी रहे और मैं बैठ के थम्सअप पी रहा हूँ, और फिर बिल स्प्लिट होता है। कभी 1000 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पिए? फिर हम डिसाइड करते कि चखना तो हम ही खत्म करें। तो ये जो दारू पी रहे हैं ना, मैं एज ए नॉन ड्रिंकर मेरे समझ में नहीं आता है कि ठीक है आप दारू पी रहे हो, आप हर चीज में दारू कैसे डाल रहे हो? आप पानी में दारू डाल रहे हो, ठीक है, पानी पूरी में दारू डाल रहे हो, दारू में भी दारू डाल रहे हो। मैं बोला भाई वो ऑलरेडी दारू था, उसमें दारू क्यों डाल दिया? कहता भाई दारू में दारू डालेगा बहुत मजा आता है, मैं थम्सअप में थम्सअप डाल रहा हूँ। तो मेरा जो दोस्त है ना, मतलब जो बहुत ज्यादा बहुत बेवड़ा है, बहुत उसके घर वाले सब परेशान है उससे, उसका भी ना कभी कभी चुतिया करते रहता है दारू पीने की वजह से। एक दिन ना मुझे फोन किया और मुझे फोन करके बोलता है विनय अपने सारे दोस्तों को जमा कर, आज बैठेंगे, आज पार्टी तेरा भाई देगा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा अब मेरे मोहल्ले में वो रिया रहती ना, रिया। मैंने कहा हाँ। कहता भाई तेरे भाई को उसने संडे को शाम को 7:30 बजे एक एड्रेस पे अकेले बुलाया है। मैंने कहा रिया ने अकेले बुलाया? कह रहा है सबको जमा कर यार, सब जमा हो गए, बैठ रहे दारू पी रहे, मैं थम्सअप में थम्सअप मिला रहा हूँ। और ना फूल एकदम, भाई रिया ने इसको बुलाया संडे को शाम को 7:30 बजे अकेले? अरे मजाक थोड़ी है भाई, रिया ने बुलाया, रिया उसको संडे को शाम को 7:30 बजे हर्बल लाइफ के सेमिनार ले गई। कहती तो 3 लोगों को बना। वो और 3 बनाएंगे। इसको समझ में नहीं आ रहा रिया इसका चुतिया काट चुकी है, ये अभी भी रिया को इंप्रेस करने में लगा हुआ है, ये वहां से प्रोटीन के 6 डब्बे खरीद लाया, हाँ प्रोटीन में दारू डाल के पी रहा है। लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा प्रोटीन का व्हाइट पाउडर होता है, उसमें आप वोडका डालो ना तो दूध जैसा लगता है। तो ना घर वाले खुश हो गए थे कि आजकल बेटा रात को दूध पीने लगा है। हाँ वो एक्चुअली पीता था, ऐसा बनाता था, पैक वैक बना करके एकदम पीता था और बढ़िया सोता था। एक दिन उसने ऐसे पिया और आधा ग्लास बचा रह गया, तो उसकी नींद लग गई और उसके हाथ से वो ग्लास ऐसे गिर गया, पर रूम में दूध फैल गया। तो उसके रूम में निकला सांप। अब देखो सांप का एक ही काम है, तो उसको लगा वो दूध ही है, तो उसने थोड़ा सा फन कर लिया। अब देखो सांप का एक ही काम है, ऐसे भीड़ भाड़ वाले में आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा भागे और सबकी कान फाड़। वो दूध पी करके पूरे रूम में केचुए जैसे चल रहा है, ऐसे, 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 ऐसे। सीधा चल रहा था भाई, ये उठा इसकी फट गई, ये किस तरह का जीव है। सर्प मित्र को बुला के लाया, सर्प मित्र आया उसकी फट गई, सांप बीच हॉल में लेटा, क्या हो गया? देखो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना। बुरा लगता है ना कोई चीज पे हंसा दो फिर बोलो ऐसा नहीं हुआ था। बट ना जब से वो प्रोटीन वाला सिलसिला शुरू हुआ था, उसके रूम में 4-5 बार सांप निकले थे, तो हम उसको ऐसे चिढ़ाने लगे थे कि हाँ ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, और हम उसको बोलने लगे कि अब तुझे दोस्तों की क्या जरूरत, तूने तो आस्तीन का सांप पाल लिया ना, अब उसी के साथ बैठा होगा रात को 9 बजे दोनों यहाँ चीयर्स, और टीवी भी देखते होंगे, नागिन तू नागिन के मोनिरा बनने का वेट कर रहा है, और वो वापस मोनिरा के नागिन बनने का वेट कर रहा है। एक दिन भड़क गया, कहता हाँ हूं मैं सेपियोसेक्सुअल, तो इससे पहले हम उसे समझाते कि भाई सेपियोसेक्सुअल का मतलब सांप के साथ नहीं होता है। तीसरा दोस्त बोल रहा है हाँ तो ये वाला तो काट की जाएगी फिर भाई। एक दिन मुझे फोन किया, कहता है कि फिर मेरी ना नानी के ना घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, तो तेरी कार की चाबी देते, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। एक तो पूरा टाइम पिया हुआ रहता था, और नहीं भी पिया तो ऐसा लग रहा है पिया ही हुआ है। तो आया वो, मेरी कार की चाबी लिया, नानी का नाम सुन के मैंने दे दिया, मेरे आगे मेरी कार में बैठा और चला गया। 1 घंटे बाद फोन करके क्या बोल रहा है पता है? विनय वो तेरी कार किस कलर की थी? मैंने कहा किस कलर की थी का क्या मतलब होता है? व्हाइट कलर की थी, अब नहीं है क्या? कह रहा है नाके पे रोक लिया यार पुलिस ने।
कह रहा दारू पी के गाड़ी नहीं चला सकती, ये भी कोई बात हुई? मैंने कहा ऑफ कोर्स नहीं चला सकता है, अब तू कहाँ है? कह रहा है कि मैं आया हूँ बस पुलिस स्टेशन तेरी गाड़ी छुड़ाने के लिए। तो चिंता मत कर भाई, मैं हूँ ना तेरा दोस्त। मैंने कहा साले कम से कम नानी के नाम पे तो झूठ नहीं बोलना था ना, दारू पीना था तो। कह रहा ओ शिट विनय फोन रख, नानी नाके पे रह गई है। एक बार मेरा ब्रेकअप हुआ था तो इनको मन किया कि मुझे कंसोल करेंगे, और ना मेरा ब्रेकअप भी बड़ा अजीब सा, मतलब उसको मैं गर्लफ्रेंड को बुरा भला नहीं बोलूंगा, उसको पता था उसकी गलती थी, काफी फुद्दू लड़के से फंस गई हूँ। तो मैंने ना एक बार उसको हिस्ट्री के सर से बचाया था, फिर हमारा अफेयर हो गया था, उसके बाद मुझे किसी ने नहीं बचाया। बचपन से मारियो खेला है, कम से कम 150 करोड़ बार रानी को बचाया मारियो ने, उसी से सीख लेता कि चूती रानी को बचाने के बाद उसे शादी करना जरूरी नहीं है, इसीलिए उसको सुपर मारियो बोलते हैं। पर ना मुझे एज अ मतलब मुझे ना कभी भी रिलेशनशिप के डायनामिक समझ में नहीं आए, रूठने वाला ना कॉन्सेप्ट, रूठना कब है मनाना कब है नहीं समझ में आता था भाई। मुझसे कभी कोई गलती हो जाए ना तो मैं उसको 6 दिन कुत्तों की तरह मनाता था, 7वें दिन मानती थी। उससे कोई गलती हो जाए तो मुझे लगता था 2 दिन कैरेक्टर में रहूंगा कम से कम मैं भी। वो एक बार सॉरी बोलती थी मैम, और वो भी नाराज। 2 दिन बाद सोचता था कि हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, गलती किसकी थी? फिर 6 दिन मनाता था मैं। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा लग रहा है तुमने मुझे पूरे साल आर्ट्स पढ़ाया और एग्जाम में साइंस दे रहे हो। भाई मेरी हालत ना ऐसा शतरंज की उस राजा जैसी हो गई थी जिसकी आधे टाइम अपनी ही रानी को देख के फटी है। भाई किसी भी बात पे लड़ जाती थी वो, किसी भी बात पे। हम ड्राइव कर रहे हैं, सूरज की रोशनी आ रही है छिड़के मेरे ऊपर कि तुम जानबूझ किस डायरेक्शन में जा रहे हो। यू टर्न में पीछे घर है, अब कहाँ जाए? मतलब इतने फुद्दू चीजों पे लड़ गई भाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुमको बताने के लिए मुझे याद भी नहीं आ रहा है। एक बार तो इस बात पे लड़ गई कि तुम मुझसे लड़ाई क्यों नहीं करते हो, हर टाइम मैं ही क्यों लड़ती हूँ, और पूरा टाइम मेरे को जेंटलमैन बनाना है। जेंटलमैन मतलब मेरे को जिस दिन से मेरी लाइफ में आई थी बस मुझे सुधारने में लगी थी, पता नहीं क्या मुझे अच्छा इंसान बना के मेरे हाथ पीले करने थे उसे। पहले दिन से कहती तुम जेंटलमैन नहीं। मतलब क्या होता है जेंटलमैन, कहते जब लड़की उतरती है ना तो आप कार का डोर खोलो, फिर जब मॉल में अंदर आएगी आप मॉल का डोर खोलो, फिर जब बैठने जाएगी वो कैफे कहीं पे तो आप चेयर खींचो। मैं कहा ठीक है मैं करूंगा कोशिश, पर मुझसे नहीं होता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि चल ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं बन पा रहा हूँ जेंटलमैन, तो मैं क्या करता हूँ ना कि उसको ऐसा कुछ सरप्राइज दे दूंगा उसके बर्थडे पे कि सारे पुराने पाप पे पानी फिर जाएगा। तो मैंने ना ऐसे कैफे में एक ऐसा टेबल बुक किया, उसका बर्थडे था, उस पर एकदम बढ़िया सा पिंक कलर का पूरा टेबल क्लॉथ, उसके ऊपर में केक, उसके ऊपर में शैंपेन, सब एकदम उसकी आंख बंद करके ले गया, आंख खोला सरप्राइज, और बहुत ही खुश हो गई। मैंने कहा हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। फिर मुझे देखने लगी, मैं उसे देखने लगा, वो मुझे देख रही मैं उसे देख रहा हूँ, और एकदम ऐसे गुस्से से देखी उसने और बैठने लगी। मैंने कहा शिट चेयर तो खींचना भूल ही गया। फिर ना मैंने चेयर खींच दिया। देखो उसके बाद जो उसमें मेरी गलती नहीं थी। अबे तू गिर रही है तो टेबल पकड़ना, टेबल क्लॉथ कौन पकड़ता है? वो वेटर भी चला गया हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ना मेरा जब ऐसे ब्रेकअप हो गया तो मेरे दोस्त लोग आए कि इसका ब्रेकअप हो गया, चलो इसको समझाते हैं। नहीं आता है भाई कंसोल करना, जबरदस्ती क्यों कंसोल कर रहे हो जब नहीं आता है तो? आए हैं बैठे हैं लेके दारू बैठे हैं, मैं थम्स अप लेके बैठा हूं। मुझे पूछता है कि तो फिर शादी होने वाली क्या उसकी? तो मैंने कहा अगले महीने हो जाएगी। फिर तो 1 साल में मामा बना देगी तुझे। मैं ना एंड ना एक मैं एक्चुअली मैं ऐसे ही था कोई जोक की तरह सुना रहा हूँ, पर जब ब्रेकअप हुआ था ना भाई खतरनाक कटी थी, बहुत ही बुरा हाल हो गया था मेरा। तो ना बहुत ही एकदम सैड, बहुत ही सैड था। पर जब मैं उस सैडनेस से बाहर आया ना तो उसके लिए मैंने ऐसे स्टैंड अप शुरू करने के पहले एक शायरी लिख दी थी उस जोश जोश में। तो वो शायरी बताने के पहले ना मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आप लोगों को रकीब का मतलब पता है क्या? नहीं पता ना। ये क्या होता है ना कि देखो मैं नागपुर वगैरह में सब जगह ओपन माइक्स करता हूँ, शायर वायर आते हैं उनको पता होता है रकीब मतलब कि आपकी एक्स या आपका एक्स इस वक्त जिसके पास है, आपकी जो एक्स इस वक्त जिसके साथ है वो रकीब। तो हम लोग सुनते थे तो शायर आती थी, लड़की आती थी तो बोलती थी कि मेरा वाला रकीब की बाहों में है, फिर उसके बाद में लड़का आता मेरी वाली रकीब की बाहों में है। अब मेरी गांड फट जाती थी, कौन है रकीब? मैं उसको इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहा हूँ, रकीब कौन है भाई? बंदा स्टड है यार, और बायसेक्सुअल भी। तो शायरी ये थी,
कि बरसों बेजान रहा हूं पर अब ये सोचकर जान में जान आई है, बरसों बेजान रहा हूं पर अब ये सोचकर जान में जान आई है कि घोड़े तो रकीब के भी लग गए उसकी जिंदगी में तू जो आई है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दैट्स बीन माय टाइम।